गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज मैं आपको बेसिक एंडिंग गेम जो क्वीन विद किंग अपोनेंट क्वीन का है ये बता रहा हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सोचिए कि आप सिर्फ 7 मूव में कैसे क्वीन को मेट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको चेक नहीं देना है। आपको पता है कि किंग हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल तीनों साइड से अटैक करता है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या मूव चलना है, क्वीन C3। ये क्यों चलना है कि अब देखिए किंग का वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल तीनों कंट्रोल हो गया है। अब किंग के पास मूव बहुत सारा है लेकिन वो मूव चला किंग E4। अब यहाँ पे फिर उसके बाद क्वीन से क्वीन D2 करके उसको फिर से वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और डायगोनली फाइल, रैंक और डायगोनल तीनों को कंट्रोल करना है। ये क्वीन का मतलब क्वीन रखने का ये बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। क्वीन कितना स्ट्रांग है, क्वीन कितना स्ट्रांग है ये इसका परिभाषा है। लेकिन अगर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप अच्छे से नहीं खेलेगा तो स्टील मेट हो जाएगा। स्टील मेट मतलब गेम ड्रॉ, मूव किंग के पास कोई मूव नहीं रहेगा तो स्टील मेट हो जाएगा। अब आपको फिर वो किंग एफ थ्री गया, वो उसका आइडिया ये है कि कैसे भी स्टील मेट करना है। अपोनेंट का आइडिया वही रहता है जब किंग विद क्वीन रहता है तो आइडिया वही रहता है कि ड्रॉ अपोनेंट जो अकेला किंग है वो ड्रॉ करवा दे। अगर हम लोग को एंडिंग नहीं पता है और हम प्रैक्टिस नहीं किए हैं और हमको नहीं पता है तो ये गेम ड्रॉ हो सकता है। अब आप अपना किंग को डेवलप करें क्योंकि विदाउट किंग क्वीन किंग को मेट नहीं कर पाएगा। फिर वैसा ही करना है, किंग को ग्रेजुअली डेवलप करना है क्योंकि किंग बहुत दूर है। अब देखिए कि किंग के बहुत नज़दीक आ गया है और क्वीन के भी नज़दीक आ गया है। तो अब क्वीन को डेवलप ना करके अब किंग को डेवलप करेंगे, वो इसीलिए क्योंकि अगर आप डेवलप करेंगे तो ज़्यादा टाइम होगा, फिर उसके बाद और स्टील मेट होने का संभावना है। इसीलिए अब क्वीन को डेवलप करें। और यहाँ से आप थिंक करें कि इमेजिनेशन करें कि हाँ अब इसको मेट कैसे करेंगे। मेट करने के लिए आपको उसको लास्ट रैंक फाइल या लास्ट कॉर्नर तरफ लेके जाना होगा एज में, जैसे रुक से मेट करते हैं। तो देखिए फिर से वो उसको सीर एज में लेके गया। अब एज में लेके गया तो ऐसा क्या फोर्स, देखिए यहाँ फोर्स है, किंग इस तरफ आ नहीं सकता है। किंग आपका क्वीन के लाइन में, क्वीन मतलब H3 में आ नहीं सकता है क्योंकि वहाँ पे क्वीन का है। तो उसको ग्रेजुअली H5 में जाना पड़ेगा। उसको फोर्स करिए मूव चलने के लिए। तो उसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले आपको किंग F5 चलना है।
किंग F5 चलने के बाद, किंग F5 चलने के बाद वो किंग H5 चलेगा। अब यहाँ पे एकदम गौर से देखिए, देखिए 7 मूव हुआ है और किंग देखिए पूरी तरह कंट्रोल में आ गया है और सिर्फ अब एक मूव चलना बाकी है, अब वो मेट हो जाएगा। देखिए क्वीन H3 और किंग मेट हो गया। ये बहुत इजी मेट है, लेकिन आपको फोकसली प्रैक्टिस करते रहना है तभी आप मेट कर पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।